जो लोग सरकार में हैं वो खुद इन आतंकवादी गतिविधियों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, वो खुद करवा रहे हैं ये सारे काम। अभी आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके से राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट से तिरंगा झंडा उतार दिया और भगवा झंडा लहरा दिया गया। क्यों? क्योंकि अफराजुल का कत्ल करने वाला वो शंभूलाल रेगर, उसको बचाना था। जो जीवन का मोल न समझे वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मैं मोहम्मद आरिफ अखलाक, वेलफेयर पार्टी दिल्ली ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी। दरअसल ये वाक्या तो अब 2019 की जो गवर्नमेंट बनी है, केंद्र में जो सरकार बनी है, इसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और शायद ही कोई ऐसा दिन जा रहा है कि जिस दिन ये वाक्यात नहीं आ रहे हैं सामने। तो जाहिर सी बात है कानून की तो ज़रूरत है और एक कानून पेंडिंग भी है जिसको जो है लागू करने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस हुकूमत और जिस हुकूमत के मिनिस्टर की छत्रछाया में ये मॉब लिंचिंग करने वाले ये काम कर रहे हैं, ये जो फल फूल रहे हैं वो लोग इनको मालाएं पहनाते हैं, इनके हक में रैलियां निकलवाते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कैसे वो कानून लागू होंगे और कैसे वो बनेंगे कानून, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं हैं बिल्कुल, उनको डर ही नहीं है कानून का। उन लोगों को आसिफा का जो केस हुआ था बलात्कार वाला, तो उसके बाद पूरा प्रशासन हरकत में आया और एक कानून बनाया कि 12 साल से कम की कोई भी बच्ची होगी जिसके साथ जिनाबिल जबर होगा तो उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी उस बलात्कारी को। लेकिन आप बताइए उसके बाद कितने वाक़यात ऐसे हो गए, 5-6 साल की बच्चियों के साथ ऐसे वाक़यात हुए बहुत सारे, लेकिन किसी को फांसी की सज़ा नहीं मिली। तो कानून बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, असल चीज़ है उस कानून के मुताबिक मुजरिम को सज़ा देना। देखिए ये तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, अभी जो लोग सरकार में हैं वो खुद इन आतंकवादी गतिविधियों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, वो खुद करवा रहे हैं ये सारे काम। अभी आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके से राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट से तिरंगा झंडा उतार दिया और भगवा झंडा लहरा दिया गया। क्यों? क्योंकि अफराजुल का कत्ल करने वाला वो शंभूलाल रेगर, उसको बचाना था, उसके फेवर में रैली निकाली जा रही थी। देखिए इसके लिए जो है जनता को एकजुट होना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा। आपको याद होगा 2004 से 2014 के बीच में जो यूपीए की हुकूमत रही है उसमें 5 बड़े कानून बने हैं और वो 5ों कानून हुकूमत ने आसानी से नहीं बनाए, उसके लिए सिविल सोसाइटी के लोग आगे आए हैं, उन्होंने संघर्ष किया, लाठियां खाई, जेलों में गए। उन कानूनों में एक तो मनरेगा का कानून है, एक RTI है, एक RTE है, एक फूड सिक्योरिटी एक्ट है, एक लोकपाल है। ये 5 बड़े कानून बने यूपीए की हुकूमत में और इन 5ों कानूनों को बनाने के लिए जनता के सिविल सोसाइटी के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है। अब फिर इसकी ज़रूरत है कि ऐसे लोग निकल कर के सामने आए और हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है, आज भी बहुत सारे लोग मैदान में आ रहे हैं, लड़ रहे हैं सरकार से। आपने देखा कि जैसे पिछले दिनों जब जुनैद का कत्ल हुआ था 2 साल पहले, तो उसके बाद जो है एक मुहिम चली नोट इन माई नेम के नाम से, और यहाँ भी प्रोग्राम हुआ था, जंतर मंतर पर भी उसका प्रोग्राम हुआ था। जब आप उसमें देखेंगे कि एक मुसलमान का कत्ल हो रहा है और उस मुसलमान के कत्ल के लिए 90% जो सड़कों पर लोग उतर करके आ रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, वो गैर मुस्लिम लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं हमारे हक में। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी वो लोग मौजूद हैं, एक्टिव हैं, कोशिश कर रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि आज जो हुकूमत है वो इस वक्त जो है तानाशाही के, आपने देखा वन इलेक्शन वन नेशन की बात कर रहे हैं ये लोग जो है कह रहे हैं कि जो है पूरे हिंदुस्तान को एक रंग में रंग दिया जाए, यहाँ का जो मतलब संवैधानिक ढांचा उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये जो तानाशाही चीज़ें हैं लागू करने की कोशिश की जा रही है, उस वजह से ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि कानून लागू होंगे और इन घटनाओं पर रोक लगेगी। हाँ, मेरा कहना ये है कि जो मौजूदा सरकार है, इससे पहले बीजेपी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन वाजपेयी जी की भी सरकार रही है, लेकिन मौजूदा जो सरकार है उन्होंने इस को मॉब लिंचिंग को या हिंदू मुसलमान को नफरत को इन्होंने सत्ता का जीना बना लिया है, सत्ता की सीढ़ी बना ली है, और ये चाहते हैं कि मुद्दों से लोगों को, जनता को हटाने के लिए एक रास्ता है और वो यही है हिंदू मुसलमान का झगड़ा। अब ये देखिए पूरे देश में जिस तरह से नफरत पैदा किया इन्होंने, जिस तरह से आपस में मतभेद पैदा किया इन्होंने और उसको हवा दे रहे हैं, और चंद सरफिरों को हर इलाके में मुनज़्ज़म तरीके से चंद सरफिरों को उन्होंने मुनज़्ज़म किया है, एक्टिवेट किया उनको, और बाकायदा हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बहुत अफसोस। जी बिल्कुल। मेरा मानना है कि ये जो नफरत की राजनीति फैला रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट, इसे ख़त्म होना चाहिए। और जो कुछ ये प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसे सबका विश्वास भी जोड़ दिया गया है अब,
तो ये प्रैक्टिकली अमल में आना चाहिए। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनका क्या मानना? आज एक ऐसे मुतालबे के लिए बैठे हुए हैं जो कि हमारा एक हक है, और किस व्यवस्था के लिए रोएं? हर व्यवस्था जो है वो अपने ऐसे हालात में है कि बिल्कुल चरमरा सी गई है, कि जिनसे हम उम्मीद करते थे कि हमारी रक्षा करेंगे, वो भक्षक बने बैठे हैं, और उनका एक राजनीतिकरण हो चुका है। कि जब तक एक राजनीतिकरण के तरफ से कोई उनके लिए कोई फरमान जारी ना हो, वो किसी कदम उठाना चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए इसके लिए? कड़ी से कड़ी सजा, जब तक किसी को कोई कड़ी सज़ा नहीं मिल पाएगी, जब तक ये लिंचिंग के वाक़यात नहीं रुकेंगे, हैंग विद किल डेथ की का जब तक खुलेआम एक चौक के ऊपर नहीं मुजाहरा होगा, जब तक ये समझ में नहीं आने के बाद बिल्कुल मौत तक, मौत की सज़ा मौत। शुक्रिया। आप क्या चाहते हैं, क्या सज़ा होनी चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए उन लोगों के साथ जो देश में ऐसे वाक़यात रोज़ नए वाक़यात पेश आ रहे हैं। हिंदुस्तान एजुकेशन के मामले में माइनस में जा चुका है। देश को सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लोग उसमें और जोड़ा, पता नहीं क्या क्या जोड़ा जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान अभी किस इस वक्त जहाँ पे मौजूद है। इससे पहले आईसीसी का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें मोदी जी हमें वर्ल्ड कप जितवा रहे थे, चलिए वो तो हार गए। इंडिया में बुलेट ट्रेन आ रही है, क्या ज़रूरत है? अपने देश को आप आगे बढ़ाएँ। मॉब लिंचिंग के ऊपर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, सज़ाए मौत, उम्र कैद जैसी सजा होनी चाहिए। कि मॉब लिंचिंग इसको नहीं कहा जा सकता, ये आतंकवाद है, ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये कत्ल है।